खबर देहरादून के चकराता से है, जहां ग्रामीणों ने टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटक विकास समिति को भंग करने की मांग की है। आपको बता दें कि टाइगर फॉल ने चकराता को एक अलग पहचान दी है। यहां पर्यटक अधिक संख्या में घूमने आते हैं, वहीं जब लोगों की भारी तादाद टाइगर फॉल पहुंचने लगी तो उत्तराखंड सरकार ने इस जगह को पर्यटकों के लिए विकसित करने का जिम्मा उठाया और टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटन विकास समिति के नाम से नई समिति का गठन किया। लेकिन अचानक समिति के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और ग्रामीणों का आरोप है कि इस समिति द्वारा टाइगर फॉल में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कराया गया, जबकि मामले को लेकर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का कहना है कि जब से मैं इस समिति का अध्यक्ष बना हूं तब से टाइगर फॉल में सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सर, जब उस अध्यक्ष जी मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये नियम है कि मतलब 9 ही सदस्य उसको बना सकते हैं, 9 ही सदस्य हटा सकते हैं, तो जो आज के वर्तमान जो अध्यक्ष है उसको किसने बनाया? वो तो 9 समिति में है ही नहीं, 9 लोगों में है ही नहीं। उसको अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मतलब जब वहाँ पे टूरिस्ट आता है, पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है? आप लोग भी एक बार जाके देख लीजिए कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। टॉयलेट वहाँ पे नहीं है, चेंजिंग रूम वहाँ पे नहीं है, पैसे वहाँ पे इतने ले रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है। सभी की सहमति से एक समिति बनाई, लेकिन हुआ कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने अपने फायदे के लिए केवल एक गांव की केवल 9 लोगों की समिति बताऊंगा बस है, और बाकी पूरे खत को एक रफ रजिस्टर में एक समिति बना दी। बाकी अपनी 9 लोगों ने अपने पैसे खाए और समिति आज भी चला रहे हैं, जिसका पता हमें 5 साल के बाद लगा, जबकि समिति का अध्यक्ष की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उसका विरोध किया, उनसे हिसाब किताब मांगना चाहा, तो उसके बाद उन्होंने तानाशाही करके कोर्ट से स्टे लेके आज पूरे खत को तहसील में पहुँचा दिया है। हमारा व्यक्ति विशेष से किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से हम चाहते हैं कि अगर चकराता में पर्यटक बढ़ रहा है तो यहाँ पे विकास भी हो। जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने चीज नहीं आती है, तब तक उसको मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह से दुष्प्रचार है और ये मैंने बताया कि इन माफिया लोगों की साजिश है। दूसरा ये है कि जो ये समिति का एक और पहलू मैं आपको समझाऊँ कि हर साल इसका रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होता है। ऑडिट होने के पश्चात वो रिपोर्ट SDM के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि परगना अधिकारी इसके निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में सारा मामला रहता है।